तो अभी हम लोग नहा लिए धो लिए, उसके बाद आके रूम में भी अच्छे से फ्रेश फ्रेश हो गए एंड चेंज कर लिया। अब सोमवे भाभी आ रहे हैं तो मैं बाहर जा रही हूँ उन लोग को पिक करने एंड उनका भी वेलकम होगा जैसे हम लोग का हुआ था। तो हमारा वेलकम एंड ऑल मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया, अगर आप लोगों को वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, पहले वो देखिए फिर आपको इसमें मजा आएगा। कितना अच्छा प्रॉपर्टी है देखिए, पीछे एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बहुत ही मजा आ रहा है देखकर। स्वागत है। ये आ गए हैं सोम भैया और देखिए इनका वेलकम हो रहा है। बहुत देर से सब इंतजार कर रहे थे। देखो ये भी इंतजार कर रहे थे बहुत देर से आपका। इसके ऊपर डाल दो छोटी बच्ची के ऊपर। और ये बहुत ब्यूटीफुल सा केक है देखिए, भाभी लेकर आई है इसको भी हम फ्रिज में रखवा रहे हैं। मैं कुछ आपको दिखा दूं एक और। अरे और भी केक, एक्चुअली जीतू भैया की तरफ से ही इज लाइन है। वाओ यार कितने केक खाए हैं आप, पांच हो गए। वेलकम ड्रिंक खींच दिया भैया फोटो भैया पेमेंट लेते लोग। और हम लोग ने मस्त बैठ के देखिए टेबल लगी हुई है हम लोग के जस्ट रूम के सामने, सब गॉसिप्स कर रहे हैं। उधर सोमू भैया और राहुल बैडमिंटन खेल रहे हैं, हम लोगों ने भी खेला काफ़ी देर तक और सब लोग थक गए। मेरा फ़ोन तब चार्ज नहीं था इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई एंड बहुत मज़ा आ रहा है। थक गए लेकिन सब लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा बैडमिंटन खेल लिए, बहुत ज़्यादा नहाए हैं पानी में, रेन डांस में। भैया सोमू भैया भाभी भी आ गए थे तो ये लोग भी फिर नहाने गए थे, बहुत ही मज़ा आया। और अभी बस हम लोग केक कटिंग वगैरह करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद डिनर करेंगे। उसके बाद कोई हिम्मत नहीं है, यहाँ पे बहुत अमेजिंग से रैबिट है, चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो भी। एंड बहुत ही प्यारा ग्राउंड है देखो, इतना बड़ा, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मतलब एक वाइब्स होती है ना पॉजिटिव वाइब्स, वो बहुत ही अच्छी हैं। तो आइए मैं आपको रैबिट दिखाती हूँ। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे रैबिट हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे, देखिए कि ये है और इधर एक सोया हुआ है गार्डन में। और ये बहुत ही प्यारा सा गार्डन है देखिए, बहुत बड़ा है। एंड साइड में इधर रूम बने हुए हैं, एक हमारा, ये जो दो रूम है ये हमारे हैं और यहाँ पे उन लोगों ने हम लोग का टेबल सेटअप कर दिया। ऊपर रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे जो दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे ये इस वाली जगह पे, बट हम लोगों ने यहीं पे टेबल लगवा लिया हमारा। बहुत ही मज़ा आ रहा है देखिए, गट्टियाँ मस्त रैबिट के साथ घूम रही है। ये देखिए ये देखिए, लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं साथ में, सब लोग इधर बैठे हुए हैं, सब थक गए हैं एक्चुअली। हाँ निकाल दो, दिख रहा है इधर से केक को, किसने भी चाहो केक को दिख रहा है ये रहा था वो दिख रहा है ना केक। हाँ ये हाँ, उसमें कहाँ दिख रहा है केक, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें सामने दिख रहा है। मैंने भी देखा, मैंने कहा केक का बोल, ये बोल रही केक बहुत सुंदर है, मैंने कहा तुमने खुल के देखा नहीं लेके आई हो, अगर तुम्हें देखो तो सुंदर है, फिर दिखाई दिख रहा है। और ये अमेजिंग सा केक जीतू भैया और रवीना ने हम लोग के लिए भेजा है, तो जो यू नो थैंक यू सो मच जीतू भैया रवीना, आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे डेफिनेटली। एंड ये बहुत ही अमेजिंग सा केक आप लोग देख सकते हैं, सोमू भैया भाभी ने बनवाया है, कोई स्पेश मतलब आई मीन होम बेकर है, कितना मस्त केक है देखिए। एंड मतलब लाइक यू नो वी कैन नॉट, ओके तो उसका नाम सोमू भैया भी आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग ये सोच रहे हैं केक कट करें खा लें और उसके बाद खाना भी ऑर्डर किया है, तो उसमें क्या क्या ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear cover song. Happy birthday to you.
और वो आगे का क्या होता है वो नहीं आता। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आ जाओ सोमू भैया। सोमू खिलाएगा आपको? अरे नहीं, एक खिला दो। बताओ टेस्ट। बहुत शानदार है, ठीक है, शानदार है। सही बोल रही थी स्वाति। हाँ क्या हाँ तो वो बैग बैग क्या आ रहा है? ठीक आ जाओ। राम राम फिर आ जाओ। वीडियो तो यार इधर चल रहा है ना, इंस्टा के लिए। बर्थडे का केक कट गया तू जाने का रह गया। हो गया फंक्शन ही हो गया तू जाना का घूम रहा। ये मैं खाता ही नहीं तो खिला थोड़ी रहे यार फंक्शन में खड़ा होना। एक तो खा गया अच्छा ये क्या सब ने हैप्पी बर्थडे अच्छा लगा मम्मी भाभी एक इससे वीडियो बना दोगे कैसे? ठीक है नॉर्मल बनाना ऐसे करके ऐसे घुमा के ऐसे बस कंटिन्यू चलाते रहना। हाँ तो ये खाना हमने ऑर्डर किया है, बूंदी रायता, दाल तड़का, आलू गोभी, कढ़ाई पनीर, रोटी, सैलेड सब लोग खा रहे हैं। देखिए हाय हर ब्लॉग में हाय बोला। हाँ और अगर किसी ने खाना खाया तो बता दो कैसा है। बढ़िया यार बहुत मस्त अच्छा है। चलो नाइस तुम भी टेस्ट करो। क्या हाय फिर आए ये मीशो मुझे कुछ खुदा बहुत टेस्टी है ना। तो मैं भी खाना खाती हूँ फिर मिलते हैं। दिन दूसरा सुबह के 9:30 बजे तो ये अर्चना भागते हुए और ये राहुल इंतजार करते हुए। भाभी रेडी हो गई हैं, मैं भी रेडी होके जा रही हूँ। सुबह का माहौल बहुत ही अमेजिंग है, सब लोगों ने चाय पी ली। राहुल का डांस की परफॉर्मेंस वो मैं अभी लगाऊंगी, आप देखिए वो राहुल ने मस्त डांस किया। एंड हम सब लोग रेडी हो गए कहाँ जाने के लिए? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में अगेन। तो सुबह सुबह हमने सोचा स्विमिंग पूल में ही नहाते हैं तो हम लोग चले गए सब मस्त। बहुत ही मज़ा आ रहा है और बस अब देखिए क्या होता है आगे। मम्मी पापा चेंज कर रहे हैं।
इधर समूह भैया ना आ रहे हैं, राहुल बना रहा है, कपड़े पहने भी करो मैं धीरे धीरे जा गिर जा। चमकी खाओ, बाहर निकलो, एक बस रबट्टी देखो, एक बस बंद कर रहा। और ये मॉर्निंग में अमेजिंग से चीज सैंडविच और पराठे जो बहुत ही अमेजिंग दिख रहे हैं, और साथ में दही है, वो ब्लैक सॉल्ट चाट मसाला नमक। सोमू भैया और भाभी रेडी हो गए हैं, भाभी देखो दोनों ले रहे हो, मम्मी मैं भी आ रही हूँ। हाँ ठीक है, मस्त ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने कर लिया स्विमिंग पूल में नहाते नहाते, ये लोग नहा के क्योंकि इन दोनों को जाना है अपने 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 कर्तव्य निभाने। साबुन नहीं है उसमें, था तो मैंने रखा था। ओके तो दिस इज द टाइम, हम लोग नहा लिए, बहुत सारा ब्रेकफास्ट कर लिया जो मैंने आप सब लोगों को दिखाया है, एंड बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी से विदा लेने का अब टाइम आ गया है। हम लोग सब दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, राहुल और मम्मी सामान लेके जा रहे हैं, इधर मीशो और मैं हैं, गट्टिया भी आगे दिख रही होगी आपको, और पापा भी चले गए हैं। तो बस अब इस प्रॉप इस यहां से मैं अब हम लोग जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, एंड बस अभी इसका इस धानी का सफ़र इस बार इतना, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फॉर श्योर वापस आएंगे। ओके तो जैसा कि मैंने आपको ये अनोखी धानी का टूर दिया, हम लोग बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी एंड फूड वॉज डिलीशियस, पूल पार्टी की इतना मज़ा आया। तो यू नो कोटा जैसे जगह पर और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी एक्सपेक्टेड नहीं थी हम लोगों को, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। मतलब यू नो हम लोग पूरे मुंबई में अक्सर जाते रहते हैं, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस हम लोग को लगा नहीं वहाँ के, यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया। तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगी, आप राजस्थान में अगर हैं या नहीं भी हैं, कभी राजस्थान का टूर करते हैं, तो ये बेस्ट प्रॉपर्टी जो अनोखी ढानी है, यहाँ पर आना ना भूलें। आप लोग बताओ कैसा लगा है? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। राहुल सबसे अच्छी चीज़ क्या लगा बता? स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगा है, स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगा। ओके बाय यार, बहुत अच्छा लगा। खाना 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 अच्छा था, सर्विस अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी। तो मैं आपको अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, या आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं कि यहाँ के चार्जेस क्या है, या फिर यहाँ का आपको कोई टैग नंबर चाहिए कुछ भी, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। ओके तो इस ब्लॉग को तो मैंने एंड कर लिया था, बट कोटा में बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल मंदिर है, त्रिकुटा मंदिर, अभी न्यू ही बना है, तो हम लोग काफ़ी इस टाइम से सोच रहे हैं जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, अभी भी नहीं जा पाए इस बार भी, बिकॉज यू नो टाइम का क्रंच होने की वजह से, एंड आई थिंक भगवान हमें जल्दी बुलाएं वहाँ पर उस मंदिर में और हम सब लोग जाएं। तो ये देखिए बाहर का इसका स्ट्रक्चर जो एक्सटीरियर है वो इतना अमेजिंग है, हम लोग जब वहाँ से निकले घर जा रहे थे ना, तो रास्ते में देखिए यहाँ पर आया है
एंड इतना सही दिख रहा था, मतलब यू नो आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा, दैट्स ऑन यू नो हाईवे मेन रोड, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है त्रिकुटा। तो मैंने ये सब कैप्चर कर लिया, मैंने सोचा किसी दिन अंदर जाकर तो पूरा आपको दिखाऊंगी, तब तक बाहर से देख लीजिए। चलिए अब करती हूँ, बाय बाय।